भी आते हैं, लेकिन जो आनी है जो होना है वो तो होता है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए आगे के लिए कि यदि ऐसा कोई मौसम हो तो हम वहां पर ना ऐसा जाएं, ना ऐसा करें, क्योंकि जो आमतौर पर ये देखा गया है जितने एक्सीडेंट होते हैं ये सब इसी कारण होते हैं कि एटमोसफेयर वहां का खराब हो गया, बारिश हो गई, कुछ हो गया, दिख नहीं रहा, इसी कारणों से होते हैं। तो इसमें तो ध्यान देने की बात है। ठीक है केजरीवाल साहब, एक मेरा भी सवाल था आपसे जी। केजी बहल साहब, अगर आप मुझको सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल था आपसे। केजी बहल जी, हमारे डिप्टी एडिटर कावेंद्र चौहान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको आवाज मिल रही है क्या उनकी? चलिए शायद कावेंद्र आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। तो केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में लगातार हम जो है वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी ने भी इस पूरी घटना को लेकर ट्वीट जो है वो किया है, दुख जताया। कावेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लगातार राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा लॉस भारत के लिए है। जी बिल्कुल पारुल, ये देश के लिए एक सबसे बड़ी हानि है। देश के लिए इससे बड़ा कोई लॉस नहीं हो सकता कि जब उनकी सेना का सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर उसकी इस तरीके से दर्दनाक एक मौत हो जाए। लेकिन यह भी एक बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके से जो हेलीकॉप्टर्स क्रैश होते रहते हैं यह भी एक बड़ा सवाल बनते हैं। क्योंकि जनरल बिपिन रावत की बात करूं मैं, जो CDS थे उनके लिए कहा जाता है कि वो VVIP थे, VVIP थे, हेलीकॉप्टर में सवार थे, 14 लोग थे, ब्रिगेडियर रैंक के 2 अधिकारी भी थे और साथ में एक बड़ा कुनबा उनकी वाइफ भी थे। लेकिन इसके बावजूद वो कहां कमी रह गई कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आए दिन हर दूसरे महीने हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं कि हमारे 2 पायलट्स की मौत हो गई, 1 पायलट की मौत हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से। तो पारुल, आज यकीनन ये एक बड़ा सवाल है, देश इन चुनौतियों से गुजर रहा है कि किस तरीके से यह हेलीकॉप्टर जो क्रैश होते हैं इनका कोई समाधान है भी या नहीं। और आज जो लॉस देश को हुआ है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं पारुल कि जो दुखद घटना आज हुई है, जिस तरीके की हानि, जिस तरीके की क्षति आज भारत देश को हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जिम्मेदार है और जिम्मेदारी को लेना होगा। बिल्कुल कावेंद्र, और देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ ये भी है कि भारत सरकार जो है वो वायुसेना को और मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है। लड़ाकू विमान जो हैं वो शामिल बेड़े में किए जाते हैं, बड़े बड़े लड़ाकू विमान भारत के पास आज के समय में है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ ये भी है कि शायद जो है ध्यान इस ओर नहीं जाता कि जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं इन में क्या कुछ कमी रह जाती है। क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने भी बताया कि बड़े बड़े VVIPs जो हैं वो इससे सफ़र करते हैं, और MI-17 के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि काफ़ी सुरक्षित भी माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चूक होना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल ये खड़ा करता है। जी बिल्कुल पारुल, और लगातार ये सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। क्योंकि दोपहर के बाद से लगातार खबरें आ रही थी कि ठीक है इतने लोग घायल हुए हैं, इनको यहां से वहां पहुंचाया गया है, हॉस्पिटलाइज किया गया है। ऐसा ही बिपिन रावत साहब के लिए भी कहा गया था कि वो हॉस्पिटलाइज है। काफी सूत्रों से पता लग रहा था कि अब स्थिति ठीक है उनकी, कहीं से पता लग रहा था कि हालत नाजुक है। लेकिन कहीं ना कहीं सबको अंदेशा था कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जिस तरीके का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उससे अंदाजा लग गया था कि कोई ना कोई अनहोनी तो हो गई है। अब अनहोनी हो गई, अब स्पष्ट रूप से सामने भी आ गया है, ऑफिशियली ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है कि जनरल बिपिन रावत साहब अब हमारे साथ नहीं रहे, CDS बिपिन रावत साहब हमारे साथ नहीं रहे। और इससे बड़ा लॉस, इससे बड़ा खराब दिन, इससे बड़ा बुरा दिन भारत के लिए मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता, जब आज देश की सेना का सबसे बड़ा सुप्रीम कमांडर हमारे बीच में नहीं रहा। क्यों? महज एक वजह से कि उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उनके साथ साथ उनकी वाइफ, उनकी धर्मपत्नी, वो भी अब इस हादसे के बाद नहीं रही, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रैंक के 2 अधिकारी भी नहीं रहे, और बाकी साथ में उनका जो पूरा कुनबा था, जो पायलट्स थे, सब लोग, कोई भी नहीं रहा। तो ऐसे में आज 13 परिवार खत्म हो गए हैं। जनरल बिपिन रावत की बीवी जो है वो भी, और इसके अलावा जो 12 और परिवार के लोग थे वो भी। तो आज 13 परिवार, कहीं ना कहीं 13 परिवार खत्म हुए हैं ये पारुल। बिल्कुल कावेंद्र, और देखिए कहीं ना कहीं पुष्टि हालांकि अभी हुई है, कुछ देर पहले पुष्टि हुई कि बिपिन रावत नहीं रहे, इस दुनिया में छोड़ के चले गए हम सबको। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हलचल जो है वो इस हादसे के बाद से ही देखी जा रही थी, क्योंकि पहले जो है ये कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है संसद में बयान देंगे, और हर किसी की नज़र थी कि शायद हो सकता है कि राजनाथ सिंह जब संसद में बयान दे तो कुछ अच्छी खबर वो लेकर वहाँ पर पहुँचे, कि हो सकता है वो बोल दें कि बिपिन रावत ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब हलचल और ज़्यादा बढ़ी, दिल्ली में बिपिन रावत के घर राजनाथ सिंह पहुंच गए, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचने लगे, तो कहीं ना कहीं ये लग गया था कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है।
जी बिल्कुल पारुल, देखिए जब हादसा हुआ, हादसे के बाद लगातार हमारे पास भी तमाम सोर्सेस से खबरें आती गई, हमारे पास भी जो भी हमारे एलआईयू की यूनिट थी, जो भी हमारे रिपोर्टर्स थे, लगातार खबरें दे रहे थे कि कुछ भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है, तस्वीरें साफ नहीं हो रही है, धुंध जो है वह लगी हुई है। ऐसे में तमाम सोर्सेज से खबरें आई कि हाँ ठीक है, अभी कुछ लोग जो है उनको बचाया गया है, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। लेकिन इसके बाद दिल्ली से सबसे बड़ी खबर जो आई वो ये आई कि रक्षा मंत्री अब सदन से कहने जा रहे हैं, सदन से वो देश के नाम कुछ संबोधन देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आशंका हम मीडिया कर्मियों को इस हिसाब से लगी गई थी कि कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई है। लेकिन उसके बाद रक्षा मंत्री वहां से निकलकर सीधे सीडीएस साहब के घर पहुंच जाते हैं। हमने उसी वक्त कहा था कि कहीं ना कहीं अब चीजों को साफ करना चाहिए, जो धुंध है इसको हटाना चाहिए। और अब शाम होते होते ये खबर बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि विपिन रावत साहब अब नहीं रहे। और अब ऐसे में दिल्ली में हलचल बढ़ गई है, पीएमओ कार्यालय में हलचल बढ़ गई है, और इसी के साथ होम मिनिस्ट्री में भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल कावेंद्र, और देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ ये भी है कि अब से पहले ये कोई पहला घटना नहीं है, पहली बार नहीं हुआ कि किसी कोई हेलीकॉप्टर सेना का इस तरह से क्रैश हुआ। इससे पहले भी तमाम हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस तरह से क्रैश हो चुके हैं, चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद जो है तब इतना जोर नहीं दिया जाता, तब जाँच के आदेश नहीं दिए जाते। लेकिन अब आज जब CDS उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, एक बड़ा नाम जो देश के लिए काम करते थे, तो आज जब उनका हेलीकॉप्टर हुआ तो जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जो अब से पहले अपनी जान गंवा चुके हैं इसी तरह के हादसों में। जी बिल्कुल पारुल, हेलीकॉप्टर क्रैश होना भारत में कोई नई बात नहीं, आम बात नहीं। अभिनंदन का भी हेलीकॉप्टर ही क्रैश हुआ था, इसके बाद लगातार आए हफ्ते हफ्ते